ये सुपर टीचर चैप्टर टू की जर्नी बहुत अच्छी रही है, और ख़ास करके आपके लिए, क्योंकि आप लोग ने इतना प्यार और इतना आशीर्वाद और इतना वोट दिया है, इसके लिए मेरी जर्नी अच्छी रही है। अगर आप इतने प्यार और आशीर्वाद नहीं देते तो मेरी जर्नी आधे रास्ते पे ही कट जाती। तो थैंक यू सो मच आप लोग को। आप आसाम भी गए, तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा वहाँ का? मैं असम में गया। आवाज़ आ रही थी बाहर से विशाल विशाल करके, क्या फील हो रहा था और किस तरह का एक्सपीरियंस रहा वहाँ का, बताएंगे असम का? मेरी बहुत मतलब मैं जब असम में गया था वहाँ पे सब लोग विशाल 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 बोल के सब चिल्ला रहे थे, और मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे गांव में इतने सारे लोग भी हैं बोल के। तो उन्हें क्या बोले आप, कुछ मैसेज दिए उन्हें देखा जाए तो? मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि थैंक यू सो मच, अपनी इमान वोट कोई पिने मुख एक एक करोड़ 30 लाख मुख वोट कोई से, थैंक यू सो मच। ओके, जजेस में कौन फेवरेट थे आपके जजेस देखा जाए तो फिर, और सबसे ज़्यादा किसे आप, कौन आपको प्यार करता था जजेस में? जज में तीनों ही मुझे बहुत प्यार देते थे और इतने अच्छे से कमेंट देते थे, और तीनों ही मेरे फेवरेट हैं। और मैं अभी मेरे को ट्रॉफी तो मिल गया, पर मैं उन लोग को बहुत मिस करूँगा, क्योंकि वो जो बोलते हैं ना, ये मौका बाद में नहीं मिलेगा कि उन लोग जब मेरे को बोलते हैं कि सुपरनो बोलते हैं, फिर खतरनाकम बोलते हैं, फिर शिल्पा मैम सुपर से भी ऊपर बोलते हैं, फिर लैडर चढ़ते हैं, और फिर दादा बोलते हैं कि गगन चुम्बी परफॉर्मेंस था ये, फिर लीवर तोर परफॉर्मेंस था, फिर बोतल और कप तोड़ते ना, वो सब मैं बहुत मिस करूंगा। ओके, फर्स्ट सीजन में बाहर चले गए थे, तो वापस कौन इंस्पायर किया आपको सेकंड सीजन वापस करना है, आपको थोड़ा बताएंगे? आपको कि नहीं आपको वापस आना चाहिए, वापस आपको प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करना चाहिए, उसका भी थोड़ा बताएंगे? मैं जब फर्स्ट सीजन पे आया था तो मैं बहुत तैयारी करके आया था, फिर जब मैं आया फिर मेरे को लगा कि मैं सिलेक्ट हो रहा हूँ सब में, फिर बाद में मैं मेगा ऑडिशन से आउट हो गया था, फिर मेरे को अपने आप पे बहुत गुस्सा आया, फिर मम्मी ने भी बोला कि मेहनत कर, दुगने मेहनत कर, तब तू सीजन टू में फिर जाएगा, तो फिनाले में टॉप फाइव में जाएगा। तो फिर मैं गया गया गया, मेहनत दुगना मेहनत किया, फिर मैं आया, फिर मैं मेगा ऑडिशन में भी सिलेक्ट हो गया, फिर मैं बेवसर से मिला, फिर उधर से जर्नी शुरू होके मम्मी पापा ने बोला था कि टॉप फाइव में जाएगा, पर इस बार मैं टॉप फोर में जाके मैं विनर भी बन गया, तो मेरे को बहुत खुशी हो रही है। क्या माइंड में क्या चल रहा था जब टॉप फोर में थे, जब अनाउंसमेंट चल रही थी, माइंड में क्या चल रहा था? जब नाम अनाउंसमेंट होने वाला था तब